तो टुडे विल बी डिस्कस अबाउट एक्सेस थ्योरी और एक्सेस थ्योरी के बारे में आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है? ओके सर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। तो जैसे कि मैंने बताया था लास्ट क्लास में क्यूरी का यूज, एक्सेस की क्यूरी का यूज होता है डेटा का शॉर्टिंग करने का, और हमने आपके साथ क्रिएट में डिजाइन क्यूरी के बारे में क्यूरी बिजार्ड के लिए बताया था। हम डिजाइन क्यूरी पे डिस्कस कर रहे थे और डिजाइन क्यूरी पे हमने आपको बताया था सिलेक्ट का कि अगर मान लीजिए मुझे सीट वन से कोई डेटा शो करना है तो इसको क्लिक करते हैं, अगर मुझे पूरा डेटा शो करना है तो यहाँ पे स्टार है, इस स्टार को ले लेते हैं। नहीं, मुझे पूरा डेटा नहीं, उसमें से कुछ कुछ पर्टिकुलर डेटा को ही शो करना है, ठीक है? तो उस पर्टिकुलर डेटा को फिर आपको पर्टिकुलर कॉलम को ही शो करना है तो कॉलम लेना पड़ेगा। उसके बाद बात आती है कंडीशंस की कि अगर आप चाहते हो कंडीशंस अप्लाई करना तो आप यहां से, जैसे मुझे मान लीजिए कि मंथ चाहिए तो मैंने यहां पे मंथ, अगर आपकी कंडीशन फिक्स है, आपकी कंडीशन फिक्स है तो यहाँ क्राइटेरिया में आप वो कंडीशन लिख दीजिए, जैसे मैं जैन लिख दिया। तो जब मैं इस क्यूरी को सेव करूंगा, जैसे इस क्यूरी ओपन करूंगा तो मुझे सिर्फ यहाँ पे जैन का डेटा ही दिखेगा, बट आपकी क्राइटेरिया चेंज होती रहती है। आप चाहते हैं कि एट ए टाइम रन टाइम यूजर को डिसाइड करना है, ठीक है? तो उस केस में हमने यहाँ पे अपना कैप्शन लिख दीजिए कि एंटर मंथ, एंटर मंथ, और यहां पे ये दे दीजिए और यहां क्वेश्चन मार्क दे दीजिए, ठीक है? तो उस केस में क्या होगा, नहीं नहीं माफ कीजिए, हम गलत कर गए, यहां मंथ, यहां पे मंथ तो देना ही होगा। यहां क्राइटेरिया में आप जो है बड़ी ब्रैकेट में लिख दीजिए कि एंटर मंथ नेम, ठीक है? Okay. और फिर इसको हम सेव करते हैं और फिर इसको ओपन करेंगे तो यहां पर पूछेगा मंथ नेम, तो मैंने बोल दिया कि यहां पर फैब का करना है तो शुड बी हियर फैब। अब बात करते हैं, ये तो हो गई हमारे प्रीवियस क्लासेस का एक ओवरव्यू। अब बात करते हैं कि अगर मुझे मान लीजिए इसमें कैलकुलेशन करना, जैसे कि मेरे सीट में देखें कि सैलरी है, बोनस है, ओवरटाइम है, तो एंड डिपार्टमेंट, मैं चाहता हूं कि नेम, सैलरी, बोनस, ओवरटाइम एंड डिपार्टमेंट चार आए और इसमें कैलकुलेशन हो जाए टोटल का, क्योंकि डेटा में हमारा टोटल का कैलकुलेशन नहीं है तो मुझे इसमें कैलकुलेशन करना है टोटल का, समझ गए? तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में हम यहां पे जाते हैं क्यूबी विजार्ड में, डिजाइन क्यूरी, यहाँ पे अपना टेबल को सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे मुझे चाहिए फुल नेम, तो फुल नेम पे डबल क्लिक कर दिया, सैलरी पे डबल कर दिया, बोनस, ओवरटाइम, और मुझे यहाँ पे टोटल चाहिए तो इसलिए छोड़ के हम एक कॉलम छोड़ के डिपार्टमेंट पे कर देते हैं। अब देखिए छोड़ने के बाद भी यहीं पर आया तो मुझे इसको सिलेक्ट करके इसमें राइट क्लिक, इंसर्ट, नहीं इसमें इंसर्ट नहीं होता है सर, माफ कीजिएगा, तो इसको डिलीट कर देता हूं, मुझे यहां पे जो है मैं यहां से ही पिक कर सकता हूं डिपार्टमेंट, ठीक है? अब यहां पे चाहिए टोटल, तो यहां पे डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं, ठीक है ना? पहले क्या किया, इसको बिल्ट पे चला गया, बिल्ट में मैं यहां लिखूंगा तो टोटल, टोटल या टोटल भी लिख सकते हैं, या फिर आप यहां से क्या दिक्कत होगा कि आप यहां से डेटाबेस के जो फील्ड नेम है उस फील्ड नेम को उठा सकते हैं ताकि कोई गलती ना हो आपसे, ठीक है ना? फुल नेम, ओके, डबल क्लिक किया, प्लस, फुल नेम नहीं लेना है माफ कीजिए, मुझे लेना है इसमें सैलरी, सैलरी प्लस बोनस, बोनस प्लस ओवर, ठीक है? देन ओके कर दीजिए, यहाँ पे EXP1 आ गया ना, ये आपका
ये होता है मतलब कि टाइटल होता है, हेडिंग होता है कॉलम का, जो नया कॉलम बन रहा है इसमें आप अपना दे दीजिए कि टोटल, ठीक है। हाँ उसके बाद मैंने इसको एक बार सेव करता हूँ एंड क्यूरी थ्री के नाम से, एंड जब क्यूरी थ्री को मैं रन करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे टोटल इंक्लूड हो गया है। अब मुझे इसके अलावा और भी चाहिए, जैसे कि जस्ट लाइक मुझे इस पे टैक्सेशन कमीशंस एंड एडमिन वगैरह के चार्जेस भी कैलकुलेट करने, तो हाँ आप यहीं पे डिजाइन व्यू में जाते हैं। अब मैं ओवर ये डिपार्टमेंट को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, मैं लास्ट में डालूंगा डिपार्टमेंट। अब मुझे यहाँ पे, अब यहाँ पे डायरेक्ट लिखना चाहते हो लिखना टैक्स, 18% का टैक्स है, तो टैक्स और मैंने कॉलम दिया, नॉट ए सेमी कॉलम, कॉलम, ठीक है। हाँ और यहां पे मैंने ओके बोला कि टोटल मल्टीप्लाई बाय 18%, 0.0018 होगा। इसमें जो है माफ कीजिए मैं भूल गया था कि इसमें परसेंटेज का संबंध नहीं लेता है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने यहां पे दिया एडमिन, ए एडमिन और कॉलन, और मैंने बोला कि टोटल का 2% एडमिन है, टोटल मल्टीप्लाई बाई टू, यहाँ पे 0.02%, ठीक है, परसेंटेज से मैंने नहीं लेना है। एंड एंड द लास्ट में यहाँ पे ग्रांड टोटल हमें चाहिए, तो हमने जी टोटल का एक यहाँ पे कॉलम बताया, और जी टोटल में मुझे ये सब को ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे जो है दे दिया कि टोटल प्लस टैक्स प्लस एडमिन ठीक है। और फिर इसको मैं यहां से सेव करता हूं। अब मैं इसको रन करूंगा तो देखिए हमारा कैलकुलेशंस आपके सामने, तो मतलब ये सारे हेवी डेटा में होंगे। हाँ हाँ सब पे वर्क करेगा। अगर लार्ज डेटा है तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा, लेकिन होगा क्यों नहीं, क्या ओके अगर लार्ज, सिंपल सी बात है, लार्ज डेटा है तो थोड़ा सा टाइम टाइम कंज्यूम करेगा और क्या। तो ये तो हो गई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की बात, कि आप अपने फोन हाँ के साथ किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्लियर। हाँ अब इसमें अगले तो अगला पार्ट जो आता है उसमें चलते हैं। अगला पार्ट आता है कि क्या इसमें हम बिल्ट इन फॉर्मूला, इसमें हम बिल्ट इन फॉर्मूला लगा सकते हैं कि लगा सकते हैं। ओके जैसे एग्जांपल यहां पे जो हमारा माउंट आ रहा है ना, दिख रहा है आपको, हाँ तो इसमें दिख हाँ रहा है कि ये मंथ इससे मैच नहीं कर रहा, तो 12 है यहाँ पे फरवरी है, तो मैंने इस मंथ के कॉलम को डिलीट कर दिया, राइट। या मंथ के कॉलम रख भी सकते हो, कोई बात नहीं है, मैं नो कर देता हूँ। तो मैं क्यूरी में चाहता हूँ बनाना कि जब मैं क्यूरी बनाऊँ तो मेरा मंथ का कॉलम मेरे हिसाब से आए, ओके तो उस केस में मैं यहाँ इस पे डिजाइन क्यूरी पे आता हूँ, यहाँ पे सीट में ऐड कर लिया, ओके। मैंने पूरा डेटा लिया, यहाँ से ले लिया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर्म, यहाँ पे राइट क्लिक बिल्ट इन फॉर्मूला, क्योंकि मुझे फॉर्मूला चाहिए, तो यहाँ फंक्शन पे आएंगे तो आपके बिल्ट इन फॉर्मूले पे दिखेगा, तो डेट एंड टाइम कंज्यूम में आप देखिए यहाँ मंथ का फॉर्मूला है, बट मंथ का फॉर्मूला क्या करेगा, डेट में से मंथ को पिक करेगा, कि मैंने यहां पे ले लिया तो इसके बीच में क्या चाहिए हमें, डेट चाहिए, तो डेट इज द हायर डेट क्या। तो मैंने यहां इसमें डेटाबेस में गया, डेटाबेस 16। डेटा 16 पे गया, और इसमें टेबल्स, टेबल्स पे सीट वन, और इसमें हायर डेट ले लिया। अब लिख ही सकते हो, लेकिन मैं हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि हाँ स्पेसेस वगैरह होने से कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक होता है, तो मैं बराबर टाइप करने के अवॉइड करता हूँ।
ठीक है। लेकिन मंथ नेम क्या करेगा, मंथ क्या करेगा, मंथ करेगा सिर्फ आपका नंबर होगा 1 2 3 4 5, बट मैं चाहता हूं मंथ नेम। तो डेट एंड टाइम पे देखेंगे, आपके पास एक फॉर्मूला है मंथ नेम। मंथ नेम हाँ फॉर्मूला क्या करता है, मंथ नेम फॉर्मूला करता है कि इसके अंदर जो भी आप मंथ का नेम डालेंगे, नंबर डालेंगे, वो मंथ नेम में उसको नेम दे देगा, समझे। हाँ यहाँ पे मैंने दो फॉर्मूले को कंबाइन कर दिया, और मैं यस यहाँ पे डाला जाता है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू मतलब कि शॉर्ट नेम चाहिए या पूरा है, मतलब पूरा नेम चाहिए। मंथ नेम में ट्रू मतलब अगर डालोगे तो जैन फैब शॉर्ट में दिखेगा, जैन जैन एफी फैब। अगर फॉल्स डालोगे तो पूरा दिखेगा जनवरी फरवरी मार्च। अगर ये जैसे ट्रू और फॉल्स नहीं डालेंगे तो तो डिफॉल्ट टूट लेगा, डिफॉल्ट उसका जैसे जैन का नंबर है तो जैन पकड़ेगा ना टैग उसका पूरा जनवरी पकड़ेगा पूरा, पकड़ेगा। ओके ठीक ठीक है। है हाँ मैं यहाँ पे करता हूँ और एक्सप्रेशन ईएक्सपी आ गया, इसको हटा देता हूँ, यहाँ से देता हूँ मॉन, ठीक है। अब इसको सेव करता ठीक है। अब मैं क्वेरी फोर हाँ को रन करता हूँ, एंड दिस इज द यहाँ जैन फैब, ठीक है। तो मैं ट्रू कर दिया था, ओके सर हाँ समझ में आया। डाउट नहीं, ये तो समझ गया सर। तो इसी तरह से और भी फंक्शंस लगा सकते हैं, और भी चीज लगा सकते हैं, जैसे टेबल्स, और भी टेबल्स हैं आपके, ठीक है। आपका टेबल टू हो गया है यहाँ पे, तो ये चीज हो गई, ये सब चीजें इसी तरह से आप पकड़ सकते हैं। इसमें इफ एरर कैसे मतलब इफ कंडीशन कैसे लगेगा इफ कंडीशन, मतलब इफ कंडीशन में क्या लगाना चाहते होते हैं, इफ कंडीशन होगा तब ना। जैसे कि हम आप जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे हमारा टी है, मैं चाहता हूँ कि अगर जिसका जिसका ओवर टाइम ग्रेटर देन 2000 है उसको इंसेंटिव देना चाहिए। तो इंसेंटिव का प्लान हुआ तो बोला जाए कि जिसने ओवर टाइम मोर देन 5000 यूज किया है उसको हम 500 रुपये की एडिशनल इंसेंटिव देंगे, और जिसने नहीं किया है तो ओवर टाइम नहीं मिला है, मतलब कि उसने नहीं, जैसे इसी में दो तीन फॉर इफ एरर कंडीशन देखे जैसे कि सैलरी किसी का 52,000 या 50,000 के ऊपर हो, मैं ओवर एक टाइम इतना। कंडीशन मैंने दिखा दिया कि इफ का, बाकी आप कर लेंगे, होशियार है। तो डिजाइन इसमें आते हैं, डिजाइन व्यू सीट को फिर से वापस लेते हैं, और यहाँ पे मैंने पूरा डेट यहाँ पे पूरा डेटा ले लिया, और यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो बिल्ट में आइए, फंक्शंस, बिल्ट फंक्शन, बिल्ट फंक्शन में ये आपका इसमें लिखना IIF, इसकी जगह IIF है। हाँ हाँ सेम इसी की तरह ही है। यहाँ पे कंडीशन, कंडीशन में हमने बोला यहाँ पे हमारे जो ये है डेटाबेस के टेबल्स के अंदर सीट वन है, इसमें हमने बोनस कर लिया, बोनस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5000, ठीक है। तो ट्रू हाँ पार्ट आना चाहिए 500 और फॉल्स पार्ट आना चाहिए 0, ठीक है। हाँ ओके EXP1 में मैंने यहाँ पे दे दिया INC। तो आई इफ फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लगा सकते हैं क्यूबिक इफ आई इफ हो जाता है। अच्छा तो वही सर मैं और ऐसे जैसे कि उसी में इफ के साथ में एक और अगर साथ में देना रहा तो वो भी हो जाएगा हाँ देख, कंडीशन। हाँ
हाँ अभी नेस्टेड फार्मूला हमने आपके सामने में लगाया ना, इसके साथ मंथ नेम के साथ डेट का लगाया, जिस तरह से कर सकते हैं एक्सेल में करते हैं। ठीक है सर, हाँ तो आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम कल आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपसे बोला था कि इसी के साथ में एक और एक कंडीशन वाला उसमें कर दीजिए ना, थोड़ा तो समझने मुझे अच्छा रहे। दो कंडीशन करना चाहते हैं आप? हाँ चलिए मान लीजिए कि दो कंडीशंस में हमें देखना है कि जिसकी, हमें मान लीजिए कि यहाँ पे एक और इंसेंटिव भी देना है, लेकिन हम चाहते हैं हाँ इंसेंटिव तब देना है कि सिक डेज, अगर सिक डेज मतलब कि लेस देन 3 हुआ और परफॉर्मेंस ग्रेटर देन 3 हुआ तो हम इस पे 500 का इंसेंटिव देंगे। दो तो कंडीशन, तो क्रिएट में जाते हैं इसमें डिजाइन पे, इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम पूरा ले लेते हैं और यहाँ पे हम बिल्ड फॉर्म लगाते हैं, या तो डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हैं, तो छोटा हो जाता है ना तो बड़ा करके जूम में करके यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन वही है फिल नेम अगर एग्जैक्टली याद है तो। बिल्ड वाला। नहीं, जैसे कि हम फॉर्मूला यहाँ भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ उल्टे से छोटा जगह है, राइट क्लिक करके जूम पे क्लिक करेंगे ना, इतना बड़ा एरिया मिल जाएगा, हाँ फिर फॉर्मूला लिखने का। ओके ओके तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं और करते हैं बिल्ड, और बिल्ट में हम वहाँ फंक्शंस में आइडेंट लेते हैं, ठीक है? एक्सप्रेशन, हाँ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में ये अलग, इसको हटा देते, डिलीट कर देते हैं। एक्सप्रेशन में हमने यहाँ देना है, ये रहा सीक्वेंस, सिक डेज इज लेस देन इक्वल टू 3 कॉमा, देन एक और आईआईएफ देना है हमें, आईआईएफ, और इसमें बोला है कि परफॉर्मेंस स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 500 आना है, अदरवाइज 0। फिर इस आईआईएफ को मैंने क्लोज किया और इसके फॉल्स पार्ट में हमने दे दिया, ठीक है? हाँ समझ आ गया ना आपको सर? हाँ देन ओके, और ई एक्सप्रेशन में मैंने यहाँ पे कर दिया आई एन सी, और फिर मैं इसको यहाँ से क्लोज करके सेव करता हूँ। यहाँ देखिए आई एन सी, ठीक है सर? तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम कल मिलते हैं, कल और चीज़ों पे डिस्कस करेंगे आपके साथ। ओके सर ठीक है।